नमस्कार नेशन अपडेट जॉटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रव्यापी कोरोना बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। इस बीमारी के चलते व्यावसायिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध गोबरा नवापारा नगर के जागरूक युवा आशीष चौधरी, नकुल निषाद, जयप्रकाश चौहान, गौहर खान, राजू बासवार ने अपने 30 सहयोगियों के साथ इस आपदा की घड़ी में नर सेवा ही नारायण सेवा मानकर जरूरतमंदों, गरीब मजदूर, दिव्यांग जनों तक तैयार भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। 31 मार्च से शुरू हुआ सेवा का यह कार्य दोनों समय का भोजन 200 की संख्या से प्रारंभ होकर वर्तमान में 2000 पैकेट तक पहुंच चुका है। लॉकडाउन के पहले चरण दिनांक 14/4/2020 तक उक्त युवा वर्ग द्वारा अपने सेवाभावी कार्य का संचालन स्वयं के व्यय से कुशलतापूर्वक किया गया। लॉकडाउन 2.0 के दूसरे चरण में नगर के जन सेवक, युवा वर्ग, समाज जन खुलकर सामने आए। सेवाभावी युवाओं आशीष चौधरी, नकुल निषाद, जयप्रकाश चौहान, गौहर खान, राजू बासवारे ने बताया कि इन जन सेवकों, समाज सेवकों व सामाजिक संस्थाओं को हमारी टीम ने पूरा सम्मान दिया है, क्योंकि यह वक्त इंसानों का, इंसानियत का, धर्म निभाने का है। नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा और हमारे जो मित्र मंडल हैं, श्री नकुल निषाद जी, आशीष चौधरी जी और जयप्रकाश चौहान जी, राजू बंसवार जी और जो नगर के जो दो चार सम्माननीय प्रबुद्धजन, ऐसे लोगों की चर्चा चली कि समय वर्तमान स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो ज़रूरतमंदों को भोजन कराने का जो श्रेय जाता है हमारे गोलू चौधरी को जाता है, नकुल निषाद जी को जाता है, इनका कहना ये था कि सूखा राशन बांटेंगे तो जगह जगह घूमना पड़ेगा। और इससे अच्छा है कि हम लोग, जब हमारे पास साधन, संपूर्ण साधन है, तो हम लोग क्यों ना भोजन बना करके वितरित किया जाए। बहुत सारे जगहों में चूँकि अभी लॉकडाउन के चलते आरा मिल बंद है, लकड़ी की समस्या जा रही है और बहुत सारी अन्य समस्याएँ जा रही है, तो इन लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग बना के भोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम लोगों ने फिर फाइनल किया और फिर वार्ड वार इनका सर्वे करवाया गया। तो पहले प्रारंभिक में हम लोग 80 पैकेट से प्रारंभ किए थे, तो आज वर्तमान में लगभग 1300 पैकेट तक पहुंच गया है। और जो समिति का है निर्णय ये है कि अभी वर्तमान में जब तक 3 तारीख तक का जो चलाने का निर्णय लिया गया है, और वर्तमान में अभी 700 लोगों का समथिंग भोजन जा रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो 1000 तक हम लोग आगे इसको खींचेंगे। एक और कोरोना महामारी से मतलब भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व पीड़ित है। ऐसे समय में, आपदा के समय में, ज़रूरतमंद लोग, मजदूर वर्ग, विकलांग लोग, इन लोगों को भोजन की बहुत समस्या हो गई। हमारे कुछ युवा साथी हैं जो श्री दिगंबर जैन समाज के साथ मिलकर, आशीष चौधरी, नकुल निषाद जी, जयप्रकाश चौहान जी, राजू बासवार जी, गौहर खान जी, इन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा को अपना ध्येय मानकर यहाँ भोजन तैयार करने का संकल्प लिया। लॉकडाउन के पहले चरण में जैन भवन में प्रतिदिन 100 पैकेट से जो प्रारंभ हुआ था, वो आज के वर्तमान समय में एक समय में 750 पैकेट का की तक स्थिति पहुंच गई। यह पूरा काम सदर रोड के जैन भवन में हो रहा है। समिति में लॉकडाउन के पहले चरण में इन्होंने संपूर्ण व्यय अपने तरफ से वहन किया था। लॉकडाउन का ये जो दूसरा चरण है, इनके प्रयास को देखते हुए नगर के बहुत से लोग, जिसमें यश अग्रवाल जी, अजय कोचर जी जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने श्वेतांबर जैन श्री संघ के माध्यम से और भी विभिन्न समाज के लोगों ने यहाँ सामग्री पूर्ति का जिम्मा लिया है। वो नकुल जी हैं, आशीष जी, गौहर खान जी, जयप्रकाश जी, राजू जी के साथ मिलके पूरा काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग
अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.